मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे ऐसे सर्कुलर की जो देशभक्ति के रिगार्डिंग आया है, और साथ में आपको इसमें एक फॉर्मेट पर बनाकर कुछ देना है। साथ ही साथ ध्यान रखें, ये गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली से आया है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन स्कूल ब्रांच। सर्कुलर आया है 25 जुलाई 2023 को। सब्जेक्ट है इंडिया ऑफ माई ड्रीम इन 2047, यानी कि 2047 में मेरे सपनों का भारत कैसा होगा, वो आपको एक फॉर्मेट के तहत लिख कर देना है। देशभक्ति करिकुलम के तहत जो देशभक्ति लॉन्च किया गया था करिकुलम दिल्ली सरकार द्वारा 2021 में, एनकरेज करना है हर स्टूडेंट को अपने देश के बारे में, ताकि वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बने और अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए सर्व करें। आवर एंडेवियर इन इम्प्लीमेंटिंग दिस सर्कुलर इज टू इंस्टिल अमंग चिल्ड्रन वैल्यूज ऑफ लव, रिस्पेक्ट, ओनरशिप एंड प्राइड फॉर द कंट्री। यानी कि अपने देश के लिए प्यार भावना, सद्भावना, रिस्पेक्ट, लव, प्राइड, ये सब उसके अंदर, ये चीज़ें, वैल्यूज़ उसके अंदर बढ़ें, जिससे क्या हो, वो एक अच्छा नागरिक बने और अपने देश का नाम रोशन करे। तो देशभक्ति करिकुलम सीक्स टू बिल्ड अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज वैल्यूज सच एज इक्वेलिटी, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी टू देयर डेली लाइफ। यानी कि देशभक्ति की जो करिकुलम है वो क्या हमें सिखाता है, इक्वेलिटी सिखाता है, जस्टिस सिखाता है, और साथ ही साथ भाईचारा यानी कि फ्रेटर्निटी की भावना वो सिखाता है। जस्टिस यानी कि न्याय, इक्वेलिटी यानी कि समानता, देशभक्ति हमें करिकुलम जो सभी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो हमें क्या क्या सिखाता है, इक्वेलिटी, जस्टिस और फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा, न्याय और समानता की बात हमें समझाता है। इन्हीं चीज़ों पर आधारित है कि आपका भारत जो 2047 में कैसा होगा, क्योंकि 2047 को भारत को आज़ाद हुए 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इसी उपलक्ष में ये बात डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने बच्चों से पूछी है कि आप कैसा चाहते हैं कि आपका सपनों का भारत कैसा हो, और इमेजिन करके ये बताना है। अब देखो, इसमें कैटेगरी बताई गई है स्टूडेंट्स के लिए, नर्सरी टू 5। जैसे हमारे स्कूल में 6 से 12 तक के स्टूडेंट हैं, तो मेरे सपनों का भारत राइटिंग कॉन्टेस्ट एज पर फॉर्मेट, फॉर्मेट के अनुसार उनको राइटिंग कॉन्टेस्ट देना है। टीचर्स के लिए भी है, वो भारत के बारे में लिखें, ऑल टीचर्स। स्टूडेंट के लिए भी है, टीचर्स के लिए भी है, राइटिंग कॉन्टेस्ट एज पर फॉर्मेट। गाइडलाइंस भी दी गई हैं, एंट्रीज ऑन द थीम इंडिया ऑफ माई ड्रीम इन 2047, मेरे सपनों का भारत। तो नर्सरी से लेकर 12वीं तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये दिया गया है, और फॉर्मेट मैं आपको अभी दिखाता हूँ किस तरह का फॉर्मेट है। अब जो भी बच्चे इसमें एंट्रीज देंगे उनका एक क्राइटेरिया बनाया जाएगा और सबमिट होगी वो चीज़ें, उनमें से बेस्ट जो चीज़ें होंगी, बेस्ट जिनका फॉर्मेट बना के जिन बच्चों ने दिया होगा उनको आगे, उस फॉर्मेट को आगे फॉरवर्ड किया जाएगा, और साथ ही साथ उनकी जो संभावना होगी प्राइज़ जीतने की वो काफ़ी बढ़ जाएगी। आगे ये DDE लेवल यानी कि डिस्ट्रिक्ट तक, फिर जोन लेवल तक, फिर स्टेट लेवल तक कमेटी के पास ये सारी चीज़ें जाएंगी, और 15 अगस्त को रिवॉर्ड दिया जाएगा स्टूडेंट्स को और टीचर्स को, जिनको जिनका ये जो जिन्होंने फॉर्मेट बनाया है, लिखा है, वो काफ़ी जो अच्छा होगा 2047। द अपकमिंग एडिशन ऑफ दिल शिक्षा मैगजीन विल कैरी स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आइडिया ऑफ इंडिया ऑफ माई ड्रीम। जो दिल्ली शिक्षा मैगजीन है उसी में एक, जिन बच्चों का सिलेक्ट किया जाएगा या जिन टीचर्स का ये फॉर्मेट सिलेक्ट किया जाएगा उनका इसमें लेख भी छपेगा। फॉर्मेट आप देख लीजिए किस तरह का आपको ने फॉर्मेट बनाना है 2047 में मेरे सपनों का भारत। पहले अपना नाम, अपनी उम्र, एज अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ, कौन सी क्लास में हैं आप, स्कूल का नाम, ये फॉर्मेट है सबसे ऊपर। फिर सन 2023 में मेरी उम्र इतनी साल है, जैसे कोई बच्चा 12 साल का है, 13 साल का है, 10 साल का है, या 14-15 साल का है, उतनी एज लिखे। फिर सन 2047 में जब मेरा देश भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे, तब उस बच्चे की या उस व्यक्ति की या टीचर की उम्र क्या होगी वो लिखना है। मेरा सपना है कि 2047 में मेरे भारत में ये अच्छे बदलाव दिख रहे होंगे, तो जो जो बदलाव आप चाहते हैं वो यहाँ पर नीचे जो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इस तरह का फॉर्मेट आप या तो निकलवा लेंगे या तो आप खुद बना लेंगे।
तो इस तरह यहाँ लिख देंगे। फिर 2023 के भारत में ये चीज़ें हो रही हैं, मतलब आपको क्या क्या चीज़ें 2023 के भारत में दिख रही हैं जो मैं 2047 के भारत में नहीं देखना चाहता, वो चीज़ें आप मेंशन यहाँ पर कर देंगे। महंगाई देख रहे होंगे, कुछ भी आप लिख सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि आप 2047 में वो नहीं देखना चाहते। फिर 2047 में मेरे सपनों का भारत बनने के लिए मुझे आज खुद में ये बदलाव करने होंगे, क्या क्या बदलाव करने होंगे वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ये बच्चे ध्यान दें और टीचर्स भी ध्यान दें, जिनकी अच्छी एंट्री होगी उनको सिलेक्ट करके मैगजीन्स में ये छापा जाएगा उनका लेख फॉर्मेट अनुसार, और साथ ही साथ उन्हें प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। नोट, अब नोट करने वाली चीज़ें, मेरे सपनों का भारत कैसा हो ये समझने के लिए मैंने निम्नलिखित लोगों, भाई बहन माता पिता दोस्त रिश्तेदार शिक्षक इत्यादि से बात की और उनके विचारों को अपने लेखनी में इस्तेमाल किया। उनका नाम, जिन जिन से आपने बात की इसके बारे में उनका नाम आप लिख सकते हैं, उनसे आपका क्या रिलेशन है वो लिख सकते हैं, क्या संबंध है, उनके विचार क्या थे वो आप लिख सकते हैं। तो ये था पूरा फॉर्मेट, इस फॉर्मेट को आप जल्दी से जल्दी यानी कि लिख कर सबमिट करके जमा करवाएं, ताकि आपका जो पूरा फॉर्मेट अच्छे से सिलेक्ट हो जाए और आपको प्राइज मिल सके। तो यही था मेरे सपनों का भारत जो मैंने आपको पूरा समझा दिया है, और हर क्लास को हर टीचर को विशेष रूप से इसमें पार्टिसिपेट जरूर करना है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।